हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आपको गेहूं के आटे से बने एक बहुत ही हेल्दी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी नाश्ते की रेसिपी देने जा रही हूं। ये नाश्ता बहुत ही झटपट से बनकर तैयार हो जाता है और बहुत ज़्यादा हेल्दी है, क्योंकि हमने इसमें आटे का यूज़ किया है, सब्जियों का यूज़ किया है और तेल हमने इसमें 2 बूंद के करीब ही यूज़ किया है, तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। आप इस नाश्ते को बिना ऑयल के भी बना सकते हैं। रेसिपी पे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी गाइस कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही अच्छी अच्छी रेसिपीज पाने के लिए सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बगल वाली घंटी को भी दबा लें। इससे क्या होगा गाइस कि जब भी मैं कोई लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूंगी अपने चैनल पे तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँच जाएगा। तो चलिए बिल्कुल अब देर ना करते हुए बनाना स्टार्ट करते हैं बहुत ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी सा आटे का नाश्ता। तो इसके लिए मैंने एक बाउल ले लिया है। बाउल में सबसे पहले ऐड कर देंगे 1/2 कप गेहूँ का आटा। अब हम इसी आटे में मिक्स कर देंगे 2 बड़े चम्मच जितना सूजी। मैंने यहाँ पे बारीक वाली सूजी ली है, आप कोई सी भी ले सकते हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 छोटा चम्मच हल्दी, 1/2 छोटा चम्मच ही जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर। हम यहाँ पे लाल मिर्च का पाउडर नहीं यूज कर रहे हैं, उसकी जगह पे हम काली मिर्च का पाउडर यूज करेंगे। स्वाद के अनुसार आप ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1/2 छोटा चम्मच ऐड कर दिया है इसमें नमक। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 बड़े चम्मच दही। अब एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इसका एक बैटर तैयार करेंगे जो कि गाढ़ा सा होना चाहिए, जैसे कि हम चीले का बैटर रेडी करते हैं, बट बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए, इसका भी ध्यान रखें। तो यहाँ पे 1 कप पानी का मैंने यूज किया है और आप देख सकते हैं अच्छे से बैटर रेडी हो चुका है और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। अब हम 1/4 टीस्पून इसमें फ्रूट सॉल्ट ऐड कर देंगे, यानी कि इनो, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हल्के हाथों से। इनो ऐड करते ही आप देखेंगे बैटर फ्लफी सा हो गया है। अब हम जल्दी से नाश्ता बना लेंगे। यहाँ पे मेरा तवा भी हो चुका है गर्म। 1/2 छोटा चम्मच ऑयल डाल देंगे इसमें, मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल लिया है। ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे अपना नाश्ता। तो 1-1 चम्मच डालते जाएंगे। मैं यहाँ पे छोटे छोटे साइज का चीला बना रही हूँ इसका, तो आप चाहे तो बड़े साइज का भी इसे बना सकते हैं। तो इसी तरह से 1-1 चम्मच लेंगे और डालते जाएंगे। तो हमने चीले को डाल दिया है अच्छे से। अब यहाँ पे मेरे पास कुछ बारीक कटी हुई सब्जियां हैं, जैसे कि 1 मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज है, 1 बड़े साइज का शिमला मिर्च है बारीक कटा हुआ, 1 छोटे साइज का टमाटर है बारीक कटा हुआ और कुछ है धनिया की पत्तियां। आप कोई भी अपने मनपसंद सब्जियां यहाँ पे ले सकते हैं। अब जो सब्जियां हमने ली हैं उसे थोड़ा थोड़ा करते हुए इसके ऊपर डालते जाएंगे। तो सबसे पहले इसके ऊपर डालेंगे प्याज, इसके बाद डाल देंगे शिमला मिर्च, इसके बाद डाल देंगे टमाटर और लास्ट में डाल देंगे धनिया। सभी चीजें इसके ऊपर डालने के बाद हम इन्हें पलट देंगे और फ्लेम को रखेंगे लो पे ताकि ये अंदर तक अच्छे से पक पाए। हमने इन्हें पलट दिया है, अब कुछ देर तक लो फ्लेम पे ही इसे पकने देंगे। तो अब दूसरे साइड से भी इसे 1 मिनट तक मैंने अच्छे से सेक लिया है, अब फिर से इसे पलट देंगे। अब इसी तरह से 1-2 बार और इसे पलट कर सेक लेंगे ताकि ये बहुत अच्छे से बाहर से क्रिस्पी भी हो जाए और अंदर तक पक जाए।
हमने नाश्ते को 3 से 4 मिनट तक अच्छे से पलट पलट के दोनों साइड से सेक लिया है। नाश्ता हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है, अब हम इसे निकाल लेंगे। सो गाइस, हमारा हेल्दी सा नाश्ता बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसके ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे चाट मसाला। तो ये बिल्कुल परफेक्ट नाश्ता हमारा तैयार हो चुका है बनकर बहुत ही आसानी से, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी। इस तरह से चाट मसाला हम इसके ऊपर छिड़क देंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा चटपटा सा लगने लगेगा खाने में। आप इसे बिना चाट मसाला छिड़के भी खा सकते हैं। तो आप भी इस नाश्ते को बनाएं और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा ये नाश्ता। उम्मीद करती हूँ कि रेसिपी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलूंगी आपसे ऐसे ही नई और टेस्टी रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, थैंक यू सो मच।